सबको मेरा प्रणाम। अच्छा भी ठीक है ना? या अच्छी तरह पढ़ा है ना? या आज हम अगला पाठ शुरू करेंगे। एक एक कहानी है, एक एक कहानी। पाठ का नाम आदा पुरस्कार। पाठ का नाम क्या है? आदा पुरस्कार। आदा माने क्या है? हाफ। पुरस्कार हाँ सम्मान, हाफ गिफ्ट। ओके, ये प्रोति कहानी, ये पाठ का प्रोति क्या है? कहानी। पुरस्कार कब कब मिला दिया है आपको? पुरस्कार कब मिला दिया? When do you get a prize? Ask me. Sorry, tell me. When do you get a prize? When you come to the first position in the class, you get a gift. Okay. How can you share with your prize to your friends? Sometimes you get it a prize in your class. If you are good perform, you should show some good performance. At that time, the teacher should give a gift for you. Can you share with your gift to others? Definitely. When okay, if you when we have a good mind, if your mind is pity, if you have a good mind, definitely you should give your praise to others. Okay, and another way is a group of competition we can conduct, a group competition like a group song, group dance, like that. At that time we can share here. If you get it one prize to you, we can share with others also. That is the another way. Okay, so if you have a good mind, you can share with your friends. Okay, yeah, इसी प्रकार का एक कहानी है आधा पुरस्कार। Okay, आधा पुरस्कार में इसका इसमें एक king and his courtiers. Okay, then एक कैलाश, कैलाश एक fisherman. Three characters are here. Okay, a king, then some soldiers or courtiers, and one person, one Kailash. Okay, sir, machhwara mane fisherman. Okay, teenon kadapatra ke a paad mein. Okay, hum shuru karenge ya pustak lekar dhyan se padhiye aata puraskar. राजा भानु प्रताप को दो चीजों का बहुत शौक था, वक्त था मछली खाना और गाना सुनना। एक बार राज दरबार का गायक किसी बात से टूटकर चला गया और उसी वर्ष गर्मी इतनी पड़ी कि राज मगल के आसपास की सभी नदियां, चीले और तालाब आदि सूख गए। कुछ समय बाद राजा को भोजन में मछली मिली बंद हो गई। राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उसके लिए मछली लाएगा उसे मुखमा का पुरस्कार दिया जाएगा। राजा भानु प्रताप के राज्य में ही दूर समुद्र के किनारे एक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था। कैलाश बहुत बुद्धिमान और कुशल मछुआरा था। वो गीत भी मधुर गाता था। राजा का ऐलान सुनकर वो बहुत खुश हुआ। डोंगी से गकरे मा समुद्र में गया और एक बड़ी सी मछली पकड़कर ले आया। वो राजा से मिलने पहुंचा। राजा दरबार पर पहुंचते ही पगड़ेदार ने उसे रोका। बहुत प्रार्थना करने पर फिर जब वह नहीं माना तो कैलाश लौटने लगा। फिर उसे एक उपाय सोचा।
उसने पगड़ीदार से कहा, आप मुझे अंदर जाने दे, वहां जो भी पुरस्कार मिलेगा उसका आधा हिस्सा पहले आपको दूंगा। पगड़ीदार तैयार हो गया। राजा तो मछली पाकर भूले न समाया। उन्होंने कैलाश से पूछा, बताओ क्या पुरस्कार चाहिए? कैलाश ने बिंदी की, महाराज पहले आप मेरा गीत सुन लीजिए, तब पुरस्कार मांगूंगा। ओके, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द है। ओके, शौक माने रुचि, हॉबी। शौक माने हॉबी, अनदर शब्द रुचि। रूटना गेट ऑफेंड और नाराज होना, नाराज होना, दुख होना। देन राजदरबार, रॉयल कोर्ट, राजदरबार, रॉयल कोर्ट। देन एलान, लाउड वॉइस और विलंबरम, मलयालम में विलंबरम, लाउड वॉइस। देन मुखमांग, मुखमांगना माने आस्किंग प्राइस, मुखमांगना आस्किंग प्राइस। देन बुद्धिमान, बुद्धिमान यू नो, बुद्धिमान वाइस मैन। ओके, अनदर पगड़ीदार, पगड़ीदार। देन कोर्टियर, वन अनदर शब्द सोल्जर, लाइक ए सोल्जर। देन पुरस्कार, सम्मान, हिंदी में सम्मान, अंग्रेजी में प्राइस। ओके, गिफ्ट। ओके, देन शौक रुचि और हॉबी, रूटना नाराज होना और गेट ऑफेंड, राजदरबार, रॉयल कोर्ट, एलान, लव वॉइस, मुखमांगना, आस्किंग प्राइस। देन बुद्धिमान, वाइस मैन, पगड़ीदार, कोर्टियर। देन पुरस्कार, सम्मान। ओके, गिफ्ट। पुस्तक ध्यान से पढ़िए। राजा भानु प्रताप को दो चीजों का बहुत शौक था। एक इस कहानी के पहला कथापात्र के राजा भानु प्रताप, राजा भानु प्रताप। देन पगड़ीदार, कैलाश, तीनों कथापात्र है ये पाठ में। राजा भानु प्रताप, पगड़ीदार, कैलाश, ये तीनों कथापात्र है एक कहानी में। ओके, राजा भानु प्रताप को दो चीजों का बहुत शौक था। दो चीजों का, उसका उनके मन में दो चीज माने थिंग, मैटर, एनीथिंग, थिंग साधन, चीजों का बहुत शौक था। उनके मन में दोनों बातों का और दोनों बातों का बहुत शौक था। ही विशेस टू ईट दो थिंग्स, टू थिंग्स, टू फूड्स। ओके, एकांका चीज माने फूड, टू टाइप ऑफ फूड दे ही वांट्स टू ईट। वक्त वो क्या है, मछली खाना मीन फिश, ही वांट्स फिश। एंड गाना सुनना, स्वीट सॉन्ग, ही कैन हर्ड स्वीट सॉन्ग। एंड अनदर क्या है, टू ईट बिग फिश और टू ईट फिश और स्वीट फिश। एंड अनदर क्या है, टू स्विम ए स्वाम। एक बार राज दरबार का गायक इसी बात से रुक कर चला गया। एक बार बंडे राज दरबार का गायक मीन्स रॉयल कोर्ट का, इन इन हरेक कोर्ट में एक गायक भी था। ओके, इस राजा प्रताप के रॉयल कोर्ट में एक गायक भी थे। किसी बात से रुक कर चला गया, किसी बात ही फेल्ट एनी सैड थिंग्स, ही वेंट अवे, ही चला गया। और उसी वर्ष गर्मी इतनी पगड़ी की, उस समय और व्हेन ही वेंट आउटसाइड, व्हेन द सिंगर वेंट आउटसाइड फ्रॉम द कोर्ट एट दैट टाइम, दे फेल्ट वेरी हॉट टाइम। उस दैट टाइम गर्मी इतनी पड़ी थी, मीन्स दे फेल्ट वेरी कोट, लाइक मार्च अप्रैल। ओके, अप्रैल मई, लाइक दैट वी गेट इट इन समर, सो वी गेट द समर वेकेशन। ओके, समर
वेरी कोड उसके समय में, उसके आसपास की नदियां में, उसके आसपास मैंने नियर द रिवर्स देन चील, चील मीन्स चलिए स्मॉल अरवी ओके चीले और तालाब आगे तालाब मैंने पोंड आदि में आदि सूख गए दे ड्राई व्हेन द व्हेन द सनी सीजन व्हेन व्हेन इट्स ऑन दैट टाइम इट्स वेरी हॉट उस समय वह तालाब के और नदी के और झीलों के सभी पानी सूख गया ड्राई और वाटर और ऑल वाटर ड्राई एट दैट टाइम विच टाइम व्हेन द सिंगर वेंट अवे फ्रॉम द कोर्ट कुछ समय बाद राजा की फौज में मछली मिली बंद हो गए उस समय व्हेन द व्हेन ऑल द वाटर इज ड्राई एट द टाइम द किंग डिडंट गेट एनी फिश टू ईट भोजन के लिए उसके भोजन के लिए मछली भी नहीं मिली राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवाया उसने ही प्रोड्यूस ए बिग सॉन्ग ही लाउड वॉइस में कहता है विलंबरम ऐलान माने विलंबरम कि जो भी उसके लिए मछली लाएगा दोस को ब्रिंग फिश टू मी उसे मुख मांगा पुरस्कार दिया जाए उस व्यक्ति को व्हाटएवर दे आस्क्ड टू मी ए दैट सम्मान नाउ आई गिव टू दैट पर्सन What is that? What is the Elan? Elan of the Raja Bhanu Pratap. When anybody bring fish to me at that time, now I give a good present to that person. Whatever the person ask it to me, I want that puraskar like that. Then sometimes gold, then diamond like that. Whatever he wants to wants and ask it to me, the same price. Now I give it to that person. Okay, यही राजा प्रताप का ऐलान थे समझा या राजा भानु प्रताप के राज्य में ही दूर समुद्र के किनारे एक गांव में कैलाश नामक एक युवक रहता था राजा भानु प्रताप के राज्य में उसके कंट्री में एक समुद्र के किनारे ऑन द बैंक ऑफ सी एक गांव में एक विलेज में कैलाश नामक एक युवक व्यक्ति वहाँ रहता था उसका भानु प्रताप के राज्य में एक स्मॉल विलेज के उस विलेज में विलेज के नियर एक समुद्र के किनारे द बैंक ऑफ रिवर देर इज ए यंग पर्सन लिव्ड देयर वेयर नियर द बैंक ऑफ सी समुद्र माने सी बैंक ऑफ समुद्र के किनारे माने बैंक ऑफ सी कैलाश बहुत बुद्धिमान और कुशल मछुआरा था मछुआरा माने क्या के आई डिडंट गिव यू मछुआरा फिशरमैन मछुआरा माने फिशरमैन ही इज वेरी कनिंग ही इज वेरी वाइज मैन एंड आल्सो ही इज ए फिशरमैन कैलाश कौन थे कैलाश एक बुद्धिमान और एक मछुआरा था वो गीत भी मधुर गाता था ही सिंग्स ए वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग ही कैन सिंग सॉन्ग ही कैन हंटिंग फिशेस एवरीथिंग ही कैन ही इज आल्सो ए वाइज मैन एंड हैंडसम यंग पर्सन आल्सो ओके देन हु इज कैलाश कैलाश इज अ wise man not only is a wise man but also he is a fisherman also how he sings very beautiful song he sings very sweetly raja ka ailan sunkar when he heard the loud voice of that vilambara of that our raja he is very happy why he become happy because he is a fisherman He can hunt the fish, okay. Donkey is a gagare samudri mein gaye. He take his the nauka donkey and he went to sea. Aur ek badi si machli pakad kar le aaya gaya. That day he caught a big fish. Who get it?
Thailand caught a big fish and he come near the sea, on the bank of sea. वह राजा से मिलने पहुंचा. He heard like that. There was a village there. There a young and beautiful handsome fisherman lived there. He caught a big fish. Who heard it? That is, राजा भानु प्रताप heard about it. राज दरबार पर पहुंचते ही पकड़ेदार ने उसे रोका. राज दरबार पर पहुंचते ही at that time the fisherman or the Kailash took that big fish and come to the royal court, that court. Us samay pagradar ne use roka mane kya hai, to stop. He didn't allow to enter the court. Bahut prarthana karna, he begged to that pagradar, that courtier. And now I want to meet my loving Raja Bhanu Pratap. At that time, that courtier don't allow to get inside the court. At that time, he is very unhappy. He felt very unhappy, and he returned. He is going to return. At that time, फिर उसे एक उपाय सोचा. At that time, that Kailash think about that. He get an idea. He is thinking about an idea. What idea? उसने पगड़ेदार से कहा. किसने? कैलाश ने पगड़ेदार से कहा, आप मुझे अंदर जाने दो. If you allow to enter in the court, वहां जो भी पुरस्कार मिलेगा, whatever get it from the court, उसका आधा हिस्सा पहले आपको दूंगा. उसके हाफ, now I give the half gift it to you. If you allow to enter the court, now whatever I get it from the hand of our king, now I give half gift, definitely now I give it to you. Okay, say pagadar taiyar ho gaya. At that time he is ready. He is very happy when you heard it. Why? Because whatever get it the Kailash from the court, half portion or half gift give to who? Give to that pagadar. फिर उसे एक राजा तो मछली पाकर भूले न समाया. भूले न समाया माने एक फ्रेज, ओके, मुखावरा. भूले न समाया, एवरीथिंग फॉरगेट. ओके, राजा ने मछली पाकर, व्हेन ही गेट इट दैट, व्हेन ही गॉट दैट फिश, ही इज वेरी हैप्पी, ही एवरीथिंग फॉरगेट. उन्होंने कैलाश से पूछा. किन्होंने? राजा ने किससे पूछा? कैलाश से पूछा, दैट फिशरमैन से पूछा. पूछा माने वीटल पूछेंडो, नो, आस्क, आस्क्ड, पूछा. आस्क्ड पूछा माने एक पास्ट टेंस पूछा. बताओ, प्लीज टेल मी, क्या पुरस्कार चाहिए आपको? डू यू वांट एनीथिंग? व्हाटएवर यू वांट टेल मी, डू यू वांट? कैलाश ने बिंदी की. ही सेड दैट ही स्टॉप एंड ही से, महाराज, whatever you want. The Raja Bhanu Pratap asked to that fisherman, what you want? He said that he is silently stand there and asked to that Raja, Maharaj, pehle, first of all, aap mere geet sun lijiye. First of all, you have to listen my music. You have to listen my music. Tab puraskar mangunga. After that, now I ask to you whatever I want. Samjha? First of all, you had to sing my song, my beautiful song. First of all, you heard it. You listen my music. Then after that, whatever I want, I ask it to you. Enda ke eniki veno, njan thangalodu chodikka. Okay. That. कैलाश कौन था? कैलाश एक फिशरमैन, ओके, एक मछुआरा एंड ऑल्सो ए बुद्धिमान था. ओके, हू सिंग वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग? टेल मी, कैलाश. ओके, बट व्हाट डिड द किंग आस्क टू कैलाश?
What do you want? For what? For what? Kailash caught a big fish to whom? Our Raja, Bhanu Pratap. So he gave a fish to ready for give a good price to whom? Price to Kailash. Okay, then you have to read the difficult words. Okay, these words are very difficult. So you have to read many many times, and you should read the text also. Okay, at least 3 or 4 times you have to read the text, and you have to find out the meanings in your own opinion. Okay, in your own sentence. Okay, then baki portions we have to study in the next video. आज हमारा क्लास समाप्त हो गया. धन्यवाद.